शहजाद पूनावाला के बहाने मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा शहजाद ने शहजादे को ललकारा। सुरेंद्रनगर में चुनावी रैली में बोले मोदी, कांग्रेस में पूनावाला की आवाज दबाई जा रही है। मोदी का शहजाद पूनावाला के बहाने कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो गया है। गुजरात के चुनावी रण में बोले मोदी, कांग्रेस ने शहजाद की आवाज को दबाने की कोशिश की, व्हाट्सएप ग्रुप से भी कर दिया बाहर। मोदी ने चुनावी रैली में शहजाद की तारीफ की, कहा युवा शहजाद पूनावाला ने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। मोदी का इंदिरा के बहाने कांग्रेस पर वार, बोले इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। सुरेंद्रनगर से पहले भरूच में भी कांग्रेस पर गरजे मोदी, कहा भाई भाई को लड़ा रही है कांग्रेस। मोदी ने कहा यूपी में निकाय चुनाव में क्या हुआ सबने देखा, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। रैली में बोले मोदी, यूपी के लोग कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं, अब गुजरात के लोग भी जान जाएंगे। मोदी ने कहा कांग्रेस बंटवारे और जातिवाद की कर रही है राजनीति, बीजेपी का एक ही मंत्र विकासवाद। कांग्रेस में वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले शहजाद पूनावाला ने कहा हमने अभी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना है। शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होना चाहिए, राहुल की नियुक्ति या ताजपोशी नहीं। कल राहुल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन, राहुल का अध्यक्ष बनना लगभग तय। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रचार में झोंकी अपनी ताकत, सूरत में रोड शो कर बीजेपी के लिए मांगे वोट। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों में दिखा भारी उत्साह, खुली जीप में निकले मुख्यमंत्री रूपाणी। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, कॉम्बिनेशन केंद्र का सहकार और गुजरात में विकास, वो कॉम्बिनेशन करते हुए अगले 5 साल गुजरात को और आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन और सूरत की सांसद दर्शना जरदोश भी चुनाव प्रचार में उतरे, स्वामीनारायण मंदिर में महिला श्रद्धालुओं को दोनों ने किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सूरत में पार्टी के लिए किया प्रचार, राहुल पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के लिए प्रचार करने सानंद पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह का राहुल पर सीधा हमला, कहा मुझे उनके दिमाग पर तरस आता है। राजनाथ ने अखिलेश का उदाहरण देकर राहुल पर कसा तंज, बोले जिसका भी हाथ पकड़ते हैं उसे डुबो देते हैं। जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो अपने तो डूबते ही हैं, उसको भी डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी दिखाई अपनी ताकत, सूरत में रोड शो के जरिए बीजेपी पर बोला हमला। हार्दिक के रोड शो को लेकर पाटीदारों में दिखा भारी जोश, पीली टोपी में नजर आए समर्थक। ट्विटर के जरिए राहुल ने पीएम मोदी पर दागा 5वां सवाल, महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा और सेहत का उठाया मुद्दा। राहुल ने लिखा न सुरक्षा न शिक्षा न पोषण, महिलाओं को मिला तो सिर्फ शोषण। राहुल ने मोदी पर कसा तंज, गुजरात की बहनों से किया सिर्फ वादा, पूरा करने का कभी नहीं था इरादा, और स्क्रिप्ट राइटर बदलें, गुजरात महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित। पटना में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बेटे की शादी में जुटे दिग्गज, महागठबंधन टूटने के बाद पहली बार नीतीश और लालू का हुआ आमना सामना। शादी में पहुंचे लालू और नीतीश की नहीं मिली नजरें, दोनों के बीच दिखा 20 कुर्सियों का फासला। सुशील मोदी के बेटे उत्कर्ष की शादी में वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी पहुंचे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने नोटबंदी के समय बैंक की कतार में जन्मे बच्चे खजांची का मनाया जन्मदिन, सेफे बुलाकर परिवार को किया सम्मानित। अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बहाने मोदी पर बोला हमला, बोले ऐसी सड़क गुजरात में कहीं दिखा दे तो मान जाऊंगा। गुजरात में प्रचार के बीच अहमदाबाद पहुंचे मोदी, श्री जोगी स्वामी होलिस्टिक अस्पताल का किया उद्घाटन। बीजेपी के लिए प्रचार करने वलसाड पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रणछोड़ राय मंदिर में लगाई हाजिरी, भगवान का लिया आशीर्वाद।
योग गुरु बाबा रामदेव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी में निवेश और नोएडा की जमीन पर विवाद को लेकर बाबा ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। बाबा रामदेव ने तीन तलाक पर सरकार के बिल का किया स्वागत, बोले धर्म के नाम पर अन्याय नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोरखपुर दौरा, बाबा गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। राजकोट में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में मारपीट, बैनर लगाने को हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के अकोला में किसानों की रैली, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने केंद्र पर बोला हमला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक होटल में शराब के नशे में युवकों का कोहराम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमएससी के छात्र की आत्महत्या से हड़कंप, हॉस्टल में पंखे से लटका हुआ मिला छात्र का शव। नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरों का गैंग, लूट के सामान के साथ 9 लुटेरे पुलिस ने गिरफ्तार किए। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ने तूफान ओखी से प्रभावित कन्याकुमारी का किया दौरा, अधिकारियों के साथ स्थिति का लिया जायजा। तूफान ओखी से केरल में भी कई जगहों पर तबाही, तिरुवनंतपुरम में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल में तूफान में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, C-42 हेलीकॉप्टर्स की ली जा रही है मदद। साइक्लोन ओखी से अब तक 22 लोगों की मौत, केरल में 12, तमिलनाडु में 10 लोगों की गई जान। अरब सागर में मंडरा रहा है ओखी का और ज्यादा खतरनाक होना, कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट। पंजाब के लुधियाना में आरएसएस नेता की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची टीम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनआईए की टीम पर गांव वालों ने जबरदस्त हमला किया, कुछ लोगों की तलाश में और पूछताछ के लिए टीम पहुंची थी। नहाली गांव पहुंची एनआईए और यूपीएटीएस की टीम पर ग्रामीणों ने फायरिंग तक की, एक गाड़ी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। हरियाणा के यमुनानगर में युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने दारोगा की पिटाई की, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दाखे आंसू गैस के गोले, तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क। यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन जारी, वाराणसी में कारोबारियों ने राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का फूंका पुतला। गुजरात के पोरबंदर में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, 1000 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त। हैदराबाद में भी नशे की बड़ी खेप बरामद, डीआरआई की टीम ने 6 क्विंटल गांजा जब्त किया। विशाखापट्टनम में आरटीसी कर्मचारी ने ट्रक के आगे कूदकर आत्महत्या की, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक तालाब में भारी मात्रा में आधार कार्ड बरामद, पुलिस कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में थाने में डांस करते एएसआई का वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने किया तबादला। मेरठ में शादी समारोह में फायरिंग पर बवाल, वीडियो वायरल पर पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1,78,000 के जाली नोट बरामद। पकड़े गए आरोपी के पास से प्रिंटर और नोट बनाने के दूसरे सामान भी बरामद, गिरोह के बाकी लोगों की पुलिस कर रही है तलाश। नोएडा के सेक्टर 71 में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारियों को मारी गोली, एक की हुई मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आई बस, हादसे में 1 की मौत, 24 घायल। एक बार फिर दिल्ली में स्मॉग का कहर, धुंध और धुएं की जकड़ में है पूरी राजधानी। दिल्ली और एनसीआर में कई इलाकों में PM10 450 के पार पहुंचा, PM2.5 का स्तर 250 के पार। मानकों के तहत हवा में PM10 का स्तर 100 और PM2.5 का स्तर 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉग ने एक बार फिर से दिल्ली वालों की बढ़ाई चिंता, लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें हुई ज्यादा। स्मॉग को लेकर दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला, दिल्ली शर्मिंदा हो रही है लेकिन मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, गुजरात में कैसे डालें वोट।
उखला टेस्ट में श्रीलंका की हालत खराब, भारत के विशाल स्कोर के जवाब में श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर बनाए 131 रन। विराट के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 536 रन बनाकर पारी घोषित की। पहली पारी में श्रीलंका पर 405 रनों की अवधि बढ़ा दी। विराट कोहली का लगातार दूसरा दोहरा शतक, 6 दोहरे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने। दोहरे शतक के मामले में विराट ने सचिन और सहवाग की बराबरी की, दोनों के नाम 6-6 दोहरे शतक हैं। 287 गेंद पर 243 रन बनाकर आउट हुए विराट, अपनी पारी में 25 चौके लगाए। रोहित शर्मा ने खेली 65 रनों की शानदार पारी, रहाणे ने एक बार फिर से बल्ले से किया निराश। भारत की तरफ से शमी, ईशान शर्मा, जडेजा को 1-1 सफलता, अश्विन को नहीं मिला कोई भी विकेट। गले में स्मॉग के चलते मैदान में भी देखने को मिला ड्रामा, मास्क पहनकर फील्डिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम। खराब मौसम के चलते करीब 20 मिनट तक खेल रुका रहा, मेहमान टीम बार बार सांस लेने में तकलीफ की कर रही थी शिकायत। एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 8 विकेट पर 442 रन बनाकर घोषित की, इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 29 रन बनाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।